जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें हम 26 क्वेश्चन तक कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर के। आज हम बात करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 27 की, टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। पिछले दो चैप्टर में हमने ये टॉपिक को पढ़ा है, कुछ नयापन अगर है तो इस क्वेश्चन के जरिए देखते हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट वीडियो से रिलेटेड है या किसी भी तरीके की जो आपने कर रखी है या नहीं रखी है, वो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ए बी सी एंड डी चार पार्टनर हैं साहब, जिनके बारे में हमें जानकारी लिखनी पड़ेगी। ए बी सी एंड डी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोस्त 1, 2, 3, 4, वो 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10। डी भाई साहब का रिटायर करने का मन हो गया, मतलब इनको बाहर कर दो पिक्चर से। इनका जो शेयर है, इनका जो शेयर है वो ए और बी इक्वली ले लेंगे। इनका जो शेयर है उनके दो टुकड़े किए जाएंगे और इक्वली कौन ले लेंगे, ए और बी। सी को कुछ नहीं मिलेगा। गुडविल जो है फर्म की वो 3 ईयर्स परचेज एवरेज प्रॉफिट पर है, जो कि 20,000 रुपये है। जनरल रिजर्व बता रहा है 65,000, जो कि पुराना है रिजर्व, पुराने हैं पार्टनर, तो पुराने कैपिटल में बट जाएगा पुराने रेशियो में। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री, इन सबकी नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट ऑन डीज रिटायरमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हिज कैपिटल अकाउंट, टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू हिम व्हेन हिज कैपिटल इन द बैलेंस शीट वॉज 1,50,000 बिफोर एनी एडजस्टमेंट। ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं जिस जिस बारे में बात करने के लिए बोल रहा हूँ, हम सारे काम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे दोस्त कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसी भी सीरीज में करो, फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है इसका गेनिंग रेशियो जो आएगा वो 1:1 आएगा, क्योंकि पार्ट इक्वल ही बट रहा है दोस्त। हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ रखा था कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम सेम लैंग्वेज लिखेंगे, ए एंड बी बोथ एक्वायर्ड कितना, अपने हिस्से का आधा आधा, जो भी इसका हिस्सा है उसका आधा आधा, 2/10 एंड 2/10 फ्रॉम, सर 2/10 क्यों लिखा, बेटा दोनों के लिए लिख दिया मैंने सेम चीज़, फ्रॉम डी। इसकी वजह से ए का जो न्यू शेयर है, ए का जो न्यू शेयर है वो अपने हिस्से में कितना और जोड़ लेगा, 2/10। इसे जोड़ता था ना, वहाँ माइनस होता था लास्ट चैप्टर में। बी का जो नया शेयर है वो भी अपने हिस्से में जोड़ लेगा, 2/10 प्लस 2/10 यह आ जाएगा 4/10। सी का न्यू शेयर, सर ये क्यों लिख रहे हो, मौज के लिए, 3/10 प्लस 0, कुछ नहीं मिला तो बता दो ना उसको, 3:4:3। तो न्यू रेशियो या पार्टनर का नाम जरूर लिखना, डायरेक्ट मत लिख देना, ए बी एंड सी का, कि पता करो कौन रिटायर आपने करा है, 3:4:3। ठीक है दोस्त, न्यू रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो हमारा फेयर सॉल्यूशन था इसलिए लिखा हमने। गेनिंग रेशियो वर्किंग नोट में चाहे तो निकाल देंगे, चाहो तो जरूरत नहीं है, इक्वली आप मान रहे हो तो पर हम निकाल देंगे उसको। या हम जनरल एंट्री पास करेंगे, जनरल एंट्री में बात करेंगे दोस्त गुडविल की, जनरल रिजर्व की, और तो कुछ है नहीं है, नहीं, सबसे पहले जनरल रिजर्व को बांटो। जनरल रिजर्व का खुद का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। जनरल रिजर्व पुराना है या नया, पुराना। रेशियो भी तो कौन सा लूँगा, पुराना। पार्टनर्स भी कौन से लूँगा, पुराने। हर प्रॉफिट की वजह से पार्टनर क्रेडिट होता है, ये बच्चा कौन कौन बात जानता है, सारे मेरे जीनियस जानते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे और ए की कैपिटल को, बी की कैपिटल को, सी की कैपिटल को, डी की कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है सर, इस रेशियो में या इस रेशियो में, सर इसमें करो ऊपर वाले में तो न्यू है, अगर डी के जाने के बाद कोई प्रॉफिट होता तो हम इसमें करते। 1, 2, 3, 4 में कर दो दोस्त, कितना है जनरल रिजर्व, 65,000, कैलकुलेशन करा के मानेगा आपसे, मैं तो नहीं करूँगा। देखो 6500, ठीक है, उसका डबल 13,000, उसका और ज़्यादा 19,500, और उसका और डबल 26,000। सर ये कैसे किया आपने, देखो 10 है ना नीचे, 6500 आना है, एक में करेगा तो 1 × 2, दो में करोगे तो 2 × 2, तीन में करोगे 3 × 2, चार में करोगे 4 × 2। इस तरीके से कैलकुलेशन सरल बनाई जाती है। एक बार टोटल भी चेक कर लें, 26, 19, 45, 58, 64, 65,000 बीइंग
जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर को किसमें बांट दिया दोस्त? ओल्ड रेशियो में। एक जो एंट्री बनाएंगे हम गुडविल की, इसमें अभी हमें पता नहीं है कौन डेबिट कौन क्रेडिट। सर पता तो है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? डी तो क्रेडिट होना ही होना है क्योंकि जा रहा है वो, तो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है। कितने से होगा ये नहीं पता क्योंकि गुडविल नहीं पता, और गुडविल के बाद हिस्सा नहीं पता। और डेबिट कौन कौन होना है ये भी पता है। कौन कौन होना है भाई? जिन्होंने इसके हिस्से की मलाई खाई है। किन्होंने? ए ने और बी ने। इसका हिस्सा किस किस ने लिया बेटा? ए ने और बी ने बराबर के अमाउंट से डेबिट हो जाएंगे। या लिख देंगे हम बीइंग, अमाउंट अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं, पीछे वर्किंग नोट बनाऊंगा ना। बीइंग अमाउंट ऑफ डीज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। काम खत्म, जो भी अमाउंट आया लिख दूंगा। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल को बनाना है। तीन चीज़ें फेयर सॉल्यूशन में करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जनरल एंट्रीज और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे रहे हैं। सिर्फ एक ही का बनाना है, इसका डी का, जाने वाले का, क्यों? बाकी के बैलेंसेस भी नहीं है और वो बोल भी नहीं आराम से। यू आर ऑल्सो रिक्वायर टू प्रिपेयर हिज कैपिटल अकाउंट। डीज कैपिटल अकाउंट बनेगा, भूल तो नहीं गए क्लास 12 क्लास 11th, वहाँ एक बंदे का बनाते थे आप कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सर इसमें ए बी सी डी कुछ नहीं बेटा, है ही नहीं ना चार पार्टनर, रिवैल्यूएशन की तरह बन जाएगा बस। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है? हाँ जी, जब इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब करेंगे। सबसे पहले गुडविल बराबर, वर्किंग नोट चल रहे हैं यहाँ से। कैसे करोगे? तो बोल रहा है ए गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लिख दो इज्जत से, एवरेज प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। यहाँ लिख दो एवरेज प्रॉफिट 20,000 इंटू 3, 20 है ना, 20 है, इंटू 3 60,000, ठीक है। अब डीज शेयर ऑफ गुडविल, सर ये कहे लिख रहे हो? डी अपने हिस्से की कितनी होगा? 60,000 गुडविल ऑफ द फर्म है, अपना हिस्सा था बदलेगा 4/10, यह आ जाएगा 24,000, 12,000 एडजस्ट हो जाएगा, जिसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो निकाल के दिखाई दे रहे हैं जब इतना काम कर रहे हैं तो। 6 marks का आएगा एग्जाम में कुछ बेटा। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, किस किस ने गेन किया? सी का तो रोल ही नहीं था पिक्चर में, ए का और बी का। न्यू रेशियो क्या है? बी भी देखा था हमने निकाल के, ए और बी को ही छेड़ेंगे सिर्फ। 3/4 यानी 3/10 और 4/10, पुराना था 1/10 और 2/10, 3/10 और 4/10, पुराना था 1/10 और 2/10। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2। गेनिंग रेशियो पूरी इज्जत के साथ करेंगे क्वेश्चन को, 2:2 दैट इज 1:1। चेक करने वाला सोचे कि ये क्या बुक लेके छाप रहा था क्या बच्चा? हाँ जी साहब, इसके हिसाब से एज एंड बीस कैपिटल ये भी लिख लो वुड बी डेबिटेड बाई 24,000 का आधा आधा 12,000 ईच। कोई दिक्कत नहीं, तो जनरल एंट्री में डाल दो, नेसेसरी जनरल एंट्री भी बोल रहा था वो। 12,000 इधर, 12,000 इधर, 24,000 इधर, ठीक है। डी शेयर ऑफ गुडविल 24,000, 3/4 आ ही गया। लास्ट का बैलेंस फॉर्म निकालना है, वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो दोस्त उसके पुराने पैसे कितने थे कैपिटल के, बाई बैलेंस बीडी कितना है? 1,50,000। फिर उसका जनरल रिजर्व का हिस्सा मुझे याद है 26,000 है, आप देख लेना 26,000। और फिर उसका गुडविल का हिस्सा। अब बात करेंगे गुडविल की पोस्टिंग की, क्योंकि अभी तक नहीं सीखा हमने। डी का अकाउंट क्या हो रहा है दोस्त यहाँ पर? क्रेडिट। और ए और बी क्या हो रहा है?
डेबिट, हम डी को देखेंगे, डी का क्रेडिट है, डी के साइड में चले जाओ, ठीक है, बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल, 24,000 डालना है बस, इतना याद रखना बस, ना ज़्यादा ना कम, अगर कोई रिवेल्यूशन प्रॉफिट होता तो इधर, रिवेल्यूशन लॉस होता तो इधर, कुछ बोल रहा है कि पे वे कराने के लिए, अमाउंट ड्यू बोल रहा है बस, तो बैलेंस सी डी लिख देंगे, अगर लोन वोन के लिए बोलता जैसे आगे क्वेश्चन हो बोलेगा वो लिख देंगे। 10 मिनट में हमारा ये क्वेश्चन हो गया, समझते हुए आपको एग्ज़ाम 12 से 15 मिनट देता है, ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत सरल है, बहुत सरल, सारी पुरानी चीज़ों का छोटा मोटा घोल का पापा बना के यहाँ पर डाल दिया, देखो गुडविल भी निकलवा ली, गेनिंग रेशियो भी आपने निकाल दिया, निकालने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी, मतलब एक क्वेश्चन में 2-3 टेस्टिंग ले लिया, जनरल सर पुराने रेशियो में बढ़ता है, गुडविल एडजस्ट करना आती है आपको, काम खत्म। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवा सकता है कि, बनवा सकता है अगर वो दोनों के बैलेंसेस और देता तो तीनों के, ठीक है दोस्त, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, दैट इज 28, छोटा सा क्वेश्चन है, उसी वीडियो में निपटा देते हैं उसे भी। ए बी सी और डी चार है पार्टनर, प्रॉफिट है 4322, 4, 3, 7, 2, 9, 8, 9, 11, 4, 3, 2 and 2, ये हो जाएगा आपका ओल्ड रेशियो। सी रिटायर, कौन जा चला गया यहाँ से, सी, एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, सी को हटा दो, रिमेनिंग पार्टनर आपके ए बी डी खुद से तय कर चुके हैं कि हम 5:3:2 में शेयर करेंगे प्रॉफिट, दैट इज न्यू रेशियो, ठीक है, ओल्ड और न्यू दिए हो तो थाली में पाउस कर दिया आपको, न्यू गेनिंग निकाल लेना। ऑन द डेट ऑफ सीज रिटायरमेंट देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 30,800 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये भी काम की जानकारी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है दोस्त, डेबिट, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो कौन सा होता, ये क्रेडिट, ये एसेट साइड दिया होता है, इधर का माल इधर करते थे हम, ये डेबिट का बैलेंस है, मतलब लॉस है, लॉस की वजह से पार्टनर्स डेबिट होते हैं कैपिटल अकाउंट में। सर इसमें क्वेश्चन में पूछता क्या हमसे, सिर्फ जनरल एंट्री पूछ रहा ट्रीटमेंट, ना कोई गुडविल है ना कोई गेनिंग निकालना है आपको, सिर्फ आपको बच्चों को कन्फ्यूज ना हो, एक मार्क का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, मैं बताऊँ आपको सिंपल सी बात, सिर्फ एक जनरल एंट्री पूछने के लिए, ताकि बच्चा कई बार ओल्ड में कर रहा है, कोई बच्चा न्यू में कर सकता है, इसलिए वो जनरल एंट्रीज़ के लिए आपको इस क्वेश्चन को लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट डेबिट बैलेंस ही एसेट में दिखाई देता था हमें, इसका खुद का बैलेंस डेबिट हो तो इसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, एक तो इस तरीके से समझते हैं हम। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हमें बताता है दोस्त क्या, कि ये प्रॉफिट ना होकर ये क्या है, ये प्रॉफिट ना होकर क्या है, ये प्रॉफिट ना होकर ये लॉस है, और लॉस की वजह से पार्टनर ऑलवेज क्या होते हैं, डेबिट, ये बात जिंदगी भर याद रखना, लॉस की वजह से पार्टनर ऑलवेज क्या होते हैं, डेबिट। इस रेशियो में जाएगा 4:3:2:1, नहीं 4:3:2:1, 4:3:2:1, हमेशा क्या चलोगे, पुराना है प्रॉफिट, पुराने हैं, पुराना हो प्रॉफिट या पुराना हो लॉस, पुरानी है बैलेंस शीट, पुराने हैं पार्टनर, तो रेशियो भी पुराना होगा, बस इतनी सी बात सुनना मेरी। 30,800 इसका जरूर कोई ना कोई तोड़ निकलेगा, सिर्फ 11 से डिवाइड करने की देर है, 11 2 जा 22 निकल गया, 11 8 जा 88, 2800, तो 11,200 यहाँ, सर ये कैसे कर रहे हैं, डायरेक्ट इनटू 8400 यहाँ, आप भी सीख जाएंगे, 5600 यहाँ, 5600 यहाँ, कैसे किया दोस्त, 28 2 जा 56, 28 2 जा 56, 28 3 जा 84 और 28 4 जा 112, ठीक है, इतनी टेबल याद करनी नहीं पड़ती कभी, क्वेश्चंस करते करते हो जाती हैं अपने आप। बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स, एक मार्क का आएगा दोस्त, बस एक मार्क का, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कि आप ओल्ड में बांटेंगे या न्यू में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 को भी खत्म कर दिया, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन 29 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।